हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि यूपी बोर्ड ने 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट का सिलेबस जारी कर दिया है। ऐसे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 वाले स्टूडेंट इंग्लिश के सिलेबस को कैसे समझें। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर, क्या इस साल भी पिछले साल की तरह 30% कम सिलेबस हमें पढ़ना है? तो आपको पता होगा कि यूपी बोर्ड ने 30% जो सिलेबस कम किया था पिछले साल, वही कम सिलेबस आपको इस बार भी पढ़ना है। यानी कि इस बार भी आपको वही 30% कम सिलेबस पढ़ना है जो कि 2022 वाले छात्रों ने पढ़ा था। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको 12th इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कौन से 30% सिलेबस हैं जो कि कट हुए थे, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो ये इसमें आपको ये भी दिया गया है कि इंग्लिश जो आपका 12th इंग्लिश है, इसमें कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा, देखिए सामने दिया गया है। ठीक है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, थ्री दियर विल बी वन क्वेश्चन पेपर आप 100 मार्क, यानी कि जो 12th इंग्लिश का पेपर होगा वो एक पेपर होगा 100 नंबर का। ठीक है, सेक्शन ए आपका रहेगा रीडिंग, सेक्शन ए में आपका रीडिंग रहेगा। रीडिंग में आपको करना क्या, देखिए, वन लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाई 4 short answer type questions एंड 3 vocabularies। यानी कि क्या दिया जाएगा आपको, एक लॉन्ग पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, उस पैसेज से रिलेटेड 4 short questions दिए जाएंगे और 3 vocabularies दिए जाएंगे। देखिए यहां पर लिखा है 4 short questions रहेंगे, 3-3 नंबर के, टोटल आपको 12 नंबर। ठीक है, और 3 vocabularies रहेंगी, 1-1 नंबर के, टोटल आपको 3 नंबर। यानी कि टोटल आपको 15 नंबर का रीडिंग सेक्शन दिया जाएगा जिसमें आपको पैसेज पढ़ना है और 4 short questions का आंसर देना है और 3 vocabularies का। ठीक है, टोटल आपको 15 नंबर यहां पर मिलेंगे। ठीक है, मॉडल पेपर भी मैं बता चुका हूं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सेक्शन बी में देखिए राइटिंग सेक्शन है। इसका मतलब क्या है, राइटिंग का मतलब हमें लिखना है। देखिए इसमें आपको क्या क्या लिखना है, आर्टिकल आपको लिखना है। ठीक है, आर्टिकल और लेटर आपको इसमें लिखना होता है। देखिए आर्टिकल में जैसे आपका डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल है, आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल है, ऑटोबायोग्राफिकल आर्टिकल है। ठीक है, ये सब आर्टिकल्स आपको लिखने हैं 100 से 150 वर्ड में। इसके लिए आपको 10 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, निर्धारित है। और इसके बाद में इसी सेक्शन राइटिंग में आपका तीसरा क्वेश्चन होगा लेटर राइटिंग। इसमें आपको एडिटर और कंप्लेंट लेटर लिखना है। ठीक है, जो कि आपका 10 मार्क का रहेगा। तो टोटल जो आपका राइटिंग सेक्शन होने वाला है वो आपका होगा 20 मार्क का, जिसमें आपको 10 नंबर आर्टिकल राइटिंग के और 10 नंबर लेटर राइटिंग के दिए जाएंगे। ठीक है, अब आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी आपका होगा ग्रामर सेक्शन। ठीक है, ग्रामर में देखिए क्या करना है, 4th question से रहेगा, 10 questions MCQ एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन सिंटैक्स आइडियम्स एंड फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड होमोफोन्स। यानी कि आपको क्या किया जाएगा, 10 questions दिए जाएंगे MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, वो किस में रहेंगे, वो आपके जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है उससे पूछे जाएंगे, सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन आइडियम्स एंड फ्रेजेस फ्रेजल वर्ब, ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड होमोफोन्स। इन सभी टॉपिक से आपके 10 objective questions पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको मिलेगा 20 नंबर। ठीक है, 1 question के लिए 2 नंबर और 10 question के लिए 20 नंबर। अब आगे आपका इसी में रहेगा सेक्शन सी में 5वां question। देखिए क्या रहेगा, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि आपको एक हिंदी का पैसेज दिया जाएगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करना होगा। जो हिंदी का पैसेज रहेगा वो लगभग 7 से 8 sentences में रहेगा। इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा, यानी कि टोटल आपको इसके लिए 25 मार्क दिए जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको कट सिलेबस भी बताऊंगा। आगे देखिए क्या है, सेक्शन डी है लिटरेचर। ये आपका क्या है, सप्लीमेंट्री रीडर। ठीक है, इसमें आपको क्या रहेगा, जैसे प्रोज आपका इसमें हो गया, प्रोज में क्या रहेगा, 2 short answer type questions 1 long answer type question। ठीक है, शॉर्ट आंसर के लिए आपको 4-4 नंबर, 2 questions के लिए 8 नंबर और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 7 नंबर। ठीक है, टोटल आपका ये 15 नंबर का रहेगा प्रोज का जो क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में देखिए आपका पोएट्री आता है, पोएट्री को देखते हैं। पोएट्री में आपका 3 very short answer type questions बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट, यानी कि पोएट्री का एक स्टैंजा दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड 3 questions दे दिए जाएंगे। इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेगा, 1 question के लिए 2 नंबर। ठीक है, ऐसे देखिए नोट क्या है, क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन द पोएट्री सेक्शन। यानी कि पोएट्री सेक्शन में आपको जो है
फिगर ऑफ स्पीच भी दिया जाएगा पहचानने को, ठीक है, कि इसमें क्या फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच जैसे आपके सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरोन, एपोस्ट्रॉफी, हाइपरबोल, ओनोमेटोपोइया, ठीक है, ये सब रहेंगे। अब 9 नंबर है हमारा इसी पोएट्री में सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी कि सेंट्रल आइडिया आपको दिया जाएगा 4 नंबर का, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं विस्टास पर, यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर पर, इसमें आपको क्या क्या दिया जाएगा देखिए। 10वां क्वेश्चन आपका रहेगा टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसके लिए आपको 8 नंबर, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर। 11 नंबर हमारा है वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसके लिए आपको 7 नंबर मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक हमारा आता है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं देखिए। प्रोज में आपको द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो, ठीक है, ये सब चैप्टर्स पढ़ने हैं। पोएट्री में आपको पढ़ना है माई मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, तीसरा कीपिंग क्वाइट, फोर्थ है ये थिंक ऑफ ब्यूटी, फिफ्थ है आंट जेनिफर्स टाइगर, ठीक है, ये चैप्टर्स आपको पोएट्री में पढ़ने। विस्टास में आपको क्या क्या पढ़ना है देखिए, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी शुड विजार्ड हिट मॉमी, वन द फेस ऑफ इट, ये सब चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं विस्टास में, यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर में, ठीक है। अब बात करते हैं जो 30% सिलेबस कम किया गया है वो आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है, उसमें क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है देखिए। सेक्शन आपका जो है लिटरेचर में आपको फ्लेमिंगो जो टेक्स्ट बुक है इसमें आपको प्रोज में 3 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2, गोइंग प्लेसेस, ठीक है, ये 3 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है अगर आपके सिलेबस में है तो, ठीक है, अगर आपके बुक में है तो इन 3 चैप्टर को आपको छोड़ देना है, ठीक है। आगे देखिए पोएट्री में ए रोड साइट, तो ये एक चैप्टर है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको आपके सिलेबस में ये नहीं रहेगा, ठीक है। आगे देखिए विस्टास में सप्लीमेंट्री रीडर में इवेंट्स, ट्राइज एंड ओ लेवल, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, बी टू आर ह्यूमन बींग, ठीक है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है सप्लीमेंट्री रीडर में। राइटिंग में हम बात करें तो बिजनेस लेटर पर आपको लिखने को नहीं दिया जाएगा, ठीक है, बिजनेस लेटर नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो किस प्रकार से होगा, कितने क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, ठीक है, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बताया। 30% जो आपका कट हुआ है सिलेबस वो भी मैंने आपको बताया, तो आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।